लोकतंत्र बचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिले के समाहरणालय के समक्ष सांसदों ने उपवास के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने यह कहा कि अब लोकतंत्र खतरे में है, जिसको बचाने को लेकर उपवास के साथ साथ धरना भी कर रहे हैं। धरना के कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, विधायक व्यासदेव प्रसाद सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद थे। विशेष रूप से हमारे प्रदेश से आए हमारे प्रदेश के नेता किसान मोर्चा के जोगिंद्र कुमार रोज जी, जिला के उपाध्यक्ष सर्वानंद राम जी, नंद प्रसाद चौहान जी, सुधीर जी, आज की सभा का आयोजन और धर्मों का कारण क्या है, आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। आज जो दलित महादलितों के संगठनों के द्वारा आयोजित 2 तारीख के शांतिपूर्ण बंद को कुछ गुंडों द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा, राजद और अन्य कांग्रेसी दल के सहयोगियों के द्वारा उस शांतिपूर्ण बंद को दंगा में बदलने का प्रयास किया गया, फिर वही लोग बिना किसी संगठन के आह्वान के सोशल मीडिया के माध्यम से 10 तारीख को सवर्ण के नाम पर बंद कराने का काम किया, खराब करना चाहते हैं। देखिए, मैं अपने मित्रों से आह्वान करना चाहता हूँ, इसलिए बाधित किया। और एक आयुष्मान योजना भारत सरकार लाई है, जिसमें गरीबों के इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपया मुफ्त में दिए जाएंगे, उनके इलाज में खर्च किए जाएंगे। जब यह योजना आया तो विपक्ष को लगा कि यह योजना अगर धरातल पर उतर जाएगा तो हम लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा पूरे विश्व को। और आप जानते हैं कि बजट पास होने के बाद ही कोई कार्य अपना मूल स्वरूप धारण करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो रूल उल्लेख होता है उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सदन में उस जवाब देने के लिए खड़े हुए तो देश के इतिहास में पहली बार विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया। नहीं तो अभी तक जो परंपरा रही है, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो देश की बात बोलते हैं तो सारे विपक्ष शांत होकर सुनता है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया, हंगामा किया। लेकिन हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री का कि अपने उज्जवल भाषण से पूरी अपनी बात जनता के बीच, देश के जनता के सामने रखने का काम किया। जो विपक्ष मिलाया हुआ है, जनधन योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक लाख रुपए का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुफ्त में सौभाग्य योजना, विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री गरीब है और उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सारे गरीब इनके साथ हैं और एक एक करके सारे राज्य में इनका परचम फहरा रहा है, कमल खिल रहा है, जिसे तिमलवा करके लोकसभा को में चलने नहीं दिया। एनडीए के नेताओं ने निर्णय लिया है कि हम न वेतन लेंगे न भाता लेंगे, उसमें विपक्ष को भी अपना जवाब देना चाहिए, उनके सांसद को भी नहीं लेना चाहिए। आपने भारत की गरीब जनता की गाली कमाई लेकिन बर्बाद किया है, इसलिए हम लोग।